एक बार फिर से हम उपस्थित हैं आप सभी के सामने एक छोटी सी नॉलेजफुल वीडियो लेकर। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के चार राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में जो मतों की गणना है, गाइस, जो मतों की गणना है वो अभी स्टार्ट हो चुकी है। और आप ये कैसे देख सकते हैं कि आपकी राज्य में अभी कौन सी पार्टी कितनी सीटों से आगे चल रही है, किस पार्टी अभी उस पार्टी का रुझान क्या है कि कौन सी पार्टी अभी कितनी सीटों से आगे चल रही है। और यहाँ तक कि आप ये भी देख सकते हैं गाइस कि आपकी विधानसभा में कौन से प्रत्याशी अभी कितनी वोटों से आगे चल रहे हैं और किस पार्टी के हैं। यानी कि आप ये ऑफिशियल डाटा आप अपने मोबाइल फ़ोन पर देख सकते हैं गाइस। आप इन चार राज्यों में से किसी भी राज्य में रहते हों, आप ये डिटेल देख सकते हैं कि आपकी पर्टिकुलर विधानसभा में किस पार्टी के प्रत्याशी और क्या नाम है उन प्रत्याशी का और वो अभी कितनी वोटों से आगे चल रहे हैं। आप ये डिटेल देख सकते हैं गाइस और अपने मोबाइल फ़ोन से बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप किस प्रकार से आपको ये डेटा जो है वो चेक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सिंपली कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र में आप सर्च करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टाइप करके आप सर्च करेंगे। इस प्रकार से देख सकते हैं गाइस, आपको इस प्रकार से टाइप करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसके बाद ये पहली वेबसाइट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाली पहली वेबसाइट पे आपको करना है क्लिक। जब आप इस फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑफिशियल साइट आपके सामने जो है वो ओपन होके आ जाएगी। आप यहां से देख सकते हैं गाइस, चार राज्य में अभी मतगणना चालू हो चुकी है तो चार राज्य की लिस्ट आपके सामने ओपन होके दिखाई दे रही है। आप इनमें से जिस भी राज्य में बिलोंग करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एमपी में बिलोंग करता हूँ गाइस, तो मैं यहाँ पर एमपी का देखूंगा तो आपको क्या करना है, एमपी में देख सकते हैं अभी बीजेपी का रुझान 161 सीट का आ रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 66 और बहुजन समाज पार्टी का 2 और अन्य का जो वो आप देख सकते हैं 1 सीट का रुझान आ रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं, आपको अब ये देखना है कि आपकी पर्टिकुलर विधानसभा में कौन प्रत्याशी कितनी वोटों से आगे चल रहे हैं। तो आपको यहाँ पर डिटेल्स वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक उस राज्य के नीचे। तो जब हम डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज रिजल्ट का आपको दिखाएगा, विधानसभा वाइज रिजल्ट आपको यहां पर दिखाएगा। तो यहां से सेलेक्ट विधानसभा आपको करना है क्लिक और आप जिस भी निर्वाचन क्षेत्र में रहते हैं तो आपको यहां पर से वो निर्वाचन क्षेत्र सेलेक्ट करना है। और उसके बाद जब आप जो भी निर्वाचन क्षेत्र सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के यहां पर देख सकते हैं गाइस एक प्रत्याशी है योगेंद्र पंडागरे करके, आप देख सकते हैं ये प्रत्याशी है बीजेपी के, ये अभी कितने 3152 वोटों से आगे चल रहे हैं। और सेकंड नंबर पे कौन है गाइस, सेकंड नंबर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के मनोज मालवीय है, ये अभी पीछे चल रहे हैं 3152 वोटों से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं गाइस कि आपकी विधानसभा में कौन प्रत्याशी कितने वोटों से आगे चल रहा है, कौन प्रत्याशी कितनी वोटों से पीछे चल रहा है। इस प्रकार आप विधानसभा चेंज भी कर सकते हैं। और अभी ये मतगणना का कौन सा राउंड चल रहा है गाइस, तो अभी ये 4th राउंड चल रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं गाइस कि आपकी विधानसभा में अभी जो होगा कौन प्रत्याशी कितनी वोटों से आगे चल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइस। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपके मन में कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।